अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इस स्लीव्स डिज़ाइन का जो परफेक्ट मेथड है कटिंग और स्टिचिंग का, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसकी कटिंग और स्टिचिंग की जाती है। और बिल्कुल जैसे आपको ये थंबनेल में नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन बनेगा। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ये दो तरह का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। स्लीव्स का जो ऊपर वाला हिस्सा है, अपर हाफ, उसके लिए हम सिल्क फैब्रिक, और लोअर हाफ के लिए मैं ये नेट फैब्रिक यूज़ करूँगी। ठीक है, तो पहले हम अपर हाफ की कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए देखें, पहले आप स्लीव को नॉर्मली जैसे आप स्लीव की कटिंग करते हैं टॉप से, आप वैसे ही करेंगे, आर्म होल की कटिंग करेंगे, लेकिन लेंथ हम सिर्फ एल्बो तक रखेंगे। ठीक है, तो शोल्डर से लेकर एल्बो तक जितनी भी लेंथ बनती है उतनी ही आपने कटिंग करनी है। इसके बाद जो स्लीव्स की विड्थ है वो हम मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ये कपड़ा फोल्डिंग में है, ठीक है, यहाँ से अगर फिटिंग हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसलिए जब आप मेयर करें एल्बो से, जब अपनी स्लीव जो है अपनी विड्थ आप अपनी लें, तो आपने उसको फिटिंग में ही रखना है। इसके बाद ही हम साइड की सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम जो लोअर हाफ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। निचले हिस्से पर हम ये नेट फैब्रिक यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप जो फैब्रिक हमें चाहिए उसकी लेंथ हमें 25 इंच लेंथ चाहिए, और उसकी विड्थ जो है वो 30 इंच चाहिए एक स्लीव्स के लिए। ठीक है, सो एक स्लीव के लिए हमें जो इसकी विड्थ है वो 30 इंच, और इसकी लेंथ हमें 25 इंच तक होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये दो स्लीव्स के लिए फैब्रिक है। मैं इसको ये सिंगल कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी 30 इंच विड्थ है। इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। ठीक है, सो आपने विड्थ वाइज इसको फोल्ड कर लेना है। इस स्लीव्स की कटिंग जो है ये अम्ब्रेला कटिंग होगी, लेकिन आपने ये ऐसे कॉर्नर से जैसे हम कटिंग करते हैं ऐसे आपने फोल्ड करके कटिंग नहीं करनी है। इस तरह से जो कपड़े में जो आपके स्लीव्स में जो फ्लेयर होगा वो कम होगा। ठीक है, तो इसलिए इतना ज़्यादा खूबसूरत लुक नहीं आएगी। इसलिए आपने ऐसे पकड़ के अम्ब्रेला कटिंग नहीं करनी, बल्कि आप इसको पहले फोल्ड कर लें। ठीक है, सो ऐसे विड्थ वाइज आप इसको फोल्ड कर लें, और इसके बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ से हम अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो बन साइड है यहाँ पर, यहाँ से हमने जो स्लीव के साथ जो पीस अटैच करना है वहाँ की कटिंग करेंगे। जो हमने एल्बो की जो विड्थ रखी थी वो 4.5 थी, तो हम 4.5 की कटिंग यहाँ से करेंगे इस कॉर्नर से। ठीक है, ये देखिए, ये 4.5 है, तो हम यहाँ पर 4.5 पहले हम अप्रॉक्सीमेटली इंची टेप रख कर मार्क कर लेंगे। इंची टेप रखने से जो हमारा मार्क है वो जिस पॉइंट पर आता है, ये देखिए, ये हमने इंची टेप रखा 4.5 पर, यहाँ पर हमारा मार्क आ रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमने रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मेयर करेंगे कि इसका डिस्टेंस कॉर्नर से कितना है। इस पॉइंट का कॉर्नर से इतना डिस्टेंस है, ये है 3.5, तो हम यहाँ पर इस कॉर्नर से 3.5 पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, थ्रू आउट, तो हम सीधी मार्किंग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर ये ऐसे शेप बन जाएगी। यहाँ पे मार्क करते हुए आप आधा इंच कम भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वो है अम्ब्रेला, यहाँ पे कटिंग होगी, स्ट्रेच होगा यहाँ पर, तो ये खुल जाएगा। ठीक है, और अगर आप कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर कपड़ा कम हो जाएगा तो हम उसको स्ट्रेच करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 3 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये जो ओपन साइड है यहाँ पर, यहाँ पर हमने 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, हमने 3 इंच पर मार्किंग कर ली है, उसके आगे हम 10 इंच यहाँ से मार्क करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो बन साइड है यहाँ पर, पहले हम स्लीव की लेंथ लेंगे। स्लीव की लेंथ जो हमारी एल्बो से रिस्ट तक, यानी कि कोहनी से कलाई तक हमारी 10 इंच आ रही है। ठीक है, जितनी भी आपकी आएगी कोहनी से लेकर कलाई तक जितनी भी लेंथ आएगी उसमें आपने 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यानी कि हमारी पहले 10 इंच आ रही है, हम इसमें 10 इंच और ऐड करेंगे, हम यहाँ पर 20 इंच पर मार्क करेंगे, और 1 इंच सीम अलाउंस का भी रख लेंगे, तो 21 इंच पर हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऊपर से, यानी कि 3 इंच की मार्किंग के आगे से हमने यहाँ पर 20 इंच पे मार्क किया है, 10 इंच स्लीव लेंथ का, फुल स्लीव लेंथ का, और बाकी 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को हमने जॉइन करना है राउंड शेप में। ठीक है, थोड़ी सी शेप देते हुए, बिल्कुल सीधा हमने जॉइन नहीं करना, थोड़ी सी ये देखें शेप देते हुए हम इसको ऐसे दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये मार्क कर लिया है इस पॉइंट से लेकर और नीचे तक, हमने ऐसे थोड़े से कर्व शेप में इसको ऐसे मिला लिया है।
ये देखिए मैंने थोड़े से पॉइंट्स डार्क कर लिए। पहले हमने इस कॉर्नर से 4.5 की विड्थ लेनी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारी जो स्लीव अटैच होगी उसकी जो बॉटम विड्थ है वो 4.5 इंच है। तो हमने इस कॉर्नर से मेजर करना है कि इंची टेप कहाँ पर आ रहा है, ये 3 इंच पे आ रहा है, 3.5 पे। आप 3 इंच रख लें तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ से हम कॉर्नर से 3 इंच पे मार्क करते हुए और हमने ऐसे ये शेप दे दी है, ठीक है। कॉर्नर से हमने 3 इंच पे मार्क करना है। अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.5 इंच ही होगा, ठीक है। इस पॉइंट से फिर हमने यहाँ ओपन साइड पर 10 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। तो ये तकरीबन फुल फैब्रिक ही 10 इंच पे आ रहा है, 10 to 11 इंच पे, तो हमने ये फुल रख लिया है, ठीक है। ये जो बन साइड है यहाँ पर पहले हम अपनी जो फुल स्लीव की लेंथ है एल्बो से लेकर कलाई तक हम वो देखेंगे, वो यहाँ पर आ रही है 10 इंच पे, और हमने आगे 10 इंच एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। और अब इस पॉइंट से लेकर यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 20 इंच का की लेंथ आ रही है, ठीक है। हमने अब इस पॉइंट को वहाँ नीचे तक ऐसे शेप में जॉइन कर दिया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये मार्किंग जो है वो समझ में आ रही है। इसके बाद हम इसी पॉइंट्स पर कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास जो स्लीव आएगी वो ये देखें इस तरह से आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये स्लीव जो है वो इसकी कटिंग आती है। ये हमारी ओपन साइड है, हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारी स्लीव की शेप आती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सीधी नहीं बल्कि ये ऐसे शेप में आएगी, तो जिसको हम स्लीव के साथ अटैच करेंगे अपर हाफ के साथ। यहाँ पर इस नेट के ऊपर मैं ये लेस अटैच कर रही हूँ। ये सेंटर वाला पोर्शन जो हमारा स्लीव से अटैच होगा वहाँ पर हम लेस नहीं लगाएंगे, बाकी सारी साइड्स पर हम लेस अटैच करेंगे। ये जो मैं पाइपिंग वाली लेस यूज़ कर रही हूँ इसको मैं पहले राइट साइड के ऊपर रख रही हूँ और यहाँ पर हम कॉर्नर पर सारा स्टिच करेंगे। अभी पाइपिंग अंदर की तरफ है और इसके बाद हम इसको नीचे फोल्ड करेंगे तो पाइपिंग किनारे पर आ जाएगी। तो आप कोई भी बारीक लेस पाइपिंग वाली या जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें अपने डिज़ाइन में कर सकते हैं। ये देखिए हमारी लेस अटैच हो गई है। अब हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है और हमने इसको टॉप स्टिच भी कर लिया है। ये जो पोर्शन स्लीव के साथ अटैच होगा अपर हाफ के साथ वहाँ पर हमने पाइपिंग नहीं लगाई, ठीक है। ये देखिए जो हमने ऊपर वाला हिस्सा तैयार किया था इसको हम सीधा कर लेते हैं। पहले राइट साइड इसकी बाहर आ जाएगी। अब हमने इसके साथ निचला हिस्सा अटैच करना है। तो अब ये देखिए जो स्लीव का फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट वो होता है जिसमें आर्म होल की कटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। फ्रंट पार्ट के हमने सेंटर पे मार्क कर लेना है। ये देखें जो बॉटम है इसके सेंटर पे हम मार्क करेंगे फ्रंट स्लीव के, ठीक है। हम साइड जो सीम है उसके साथ हम इसका ओपन एंड नहीं रखते बल्कि हम इसको फ्रंट के सेंटर में रखेंगे, बैक पे भी नहीं रखेंगे और साइड सीम पर भी नहीं रखेंगे, अदरवाइज ये साइड पर चला जाएगा जो कट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये देखें हमारी स्लीव सीधी है। ये जो हमने निचला हिस्सा अटैच करना है हमने इसकी राइट साइड स्लीव के साथ मिलाई है, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है। हम यहाँ पर पिन कर लेंगे, जो भी हमने मार्क किया है सेंटर में वहाँ पर हम इसको पिन कर लेंगे और इस तरह से पूरा राउंड मिलाते हुए जो दूसरा सिरा है वो अब इसके साथ मिला लेंगे और यहाँ पर भी हम पिन कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। हमने यहाँ पर पूरे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। जो नेट फैब्रिक है ये स्ट्रेच में कटिंग हुई हुई है, इसकी अम्ब्रेला कटिंग हुई हुई है, इसलिए ये स्ट्रेच ज़्यादा है इसमें। आपने इसको खींचना ही नहीं है बिल्कुल भी सिलाई लगाते हुए, क्योंकि इसमें एक चुनट कोई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने स्ट्रेट स्टिच करके भी इसको अपनी जगह पे फिक्स कर लिया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं ताकि स्टिचिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और पिन्स के साथ भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली ये बॉटम इसका ऐसे ओपन करें और सिलाई लगा लें, ठीक है। बॉटम की जो विड्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए स्टिचिंग में आपने ज़रा थोड़ी सी एहतियात रखनी है कि जो फैब्रिक है दूसरा वो बीच में ना आए। सिंपली ये गोलाई में आप सारी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई ऐसे पूरी लग चुकी है। अब अगर आप इसको सीधा करें तो ये देखें ये इस तरह से अटैच हो गया है, ठीक है। अब ये निचला फैब्रिक जो है वो बारीक है, यहाँ पर नेट फैब्रिक है, इसलिए ये जो मार्जिन आया हुआ है हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और टॉप स्टिच कर लेंगे ताकि ये कपड़े पे नज़र ना आए, ठीक है। तो ये देखें हम इसको सारा मार्जिन ऊपर की तरफ फोल्ड करें और यहाँ पर हम टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए तो सिंपली इसको वैसे ही
ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाएं और टॉप स्टिच कर दें। ये देखिए इस तरह बहुत आसानी से हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए जो कट है इसका वो हमारा फ्रंट के सेंटर में है, हमने साइड सीम के साथ नहीं रखा, ठीक है, वरना ये कट साइड पर आ जाएगा। और ना ही हमने जो दूसरी बंद साइड है इसकी वहाँ पर रखा है, बल्कि फ्रंट के सेंटर में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। और ये देखिए ये इसकी फाइनल लुक है। और आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू।